हाउ टू गेट लैश फुल आइज। अगर आपकी लैशेज भी छोटी हैं तो इसके सोल्यूशंस भी बहुत हैं, लाइक फॉल्सीज, यू कैन ऑल्सो अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कारास, देयर आर सो मेनी आउट देयर, बट ऑल दिस सोल्यूशंस आर ऑफ नो यूज इफ यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई प्रॉपरली। और अप्लाई करना भी इतना मुश्किल नहीं है, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड लेट्स स्टार्ट इट। स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू अप्लाई मस्कारा। नाउ ये मेरी छोटी सी लैशेज हैं विदाउट एनीथिंग ऑन एंड इट्स सच अ सैड मोमेंट, यू नो। सो टू ब्रिंग लाइफ टू देम आई हैव ट्राइड मेनी मस्कारास, और उन थाउजेंड्स ऑफ मस्कारास में दिस वन इज माई फेवरेट। दिस इज लेस सेंसेशनल बाय मेबेलिन। अब मेबेलिन मस्कारास पे पूरी वीडियो बनी हुई है, लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक इट आफ्टर। अब कोई भी मस्कारा अप्लाई करने के लिए आपकी लैशेज बिल्कुल साफ होनी चाहिए, लाइक देयर शुड बी नो ऑयल एंड मॉइस्चराइजर। कुछ लोग मस्कारा अप्लाई करने से पहले कर्ल करते हैं और कुछ नहीं करते, बट आई थिंक इट रियली ब्रिंग्स द डिफरेंस। तो आपने अपने कलर को 10 सेकंड तक होल्ड करना है और बहुत ही कम प्रेशर देना है, ये ना हो कि जो चार लैशेज हैं वो भी हाथ में आ जाए। नाउ देयर इज अ हैक, अगर आप कर्ल करने के बाद डायरेक्ट वेजलिन लगा लेंगे, बहुत थोड़ी सी वेजलिन अपनी लैशेज पे लगा लेंगे, तो इट विल स्टे एज इट इज। इस तरह जो लोग मस्कारा अप्लाई करना पसंद नहीं करते उनके लिए ये बेस्ट है। टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मस्कारा, जब आप अपना वॉन्ड निकालें मस्कारा बॉटल से तो उसको साफ कर लें, लाइक एक्सेस मस्कारा हटा दें। आपने मस्कारा हमेशा रूट से लगाना शुरू करना है, लाइक यूजुअली ऐसा होता है कि हम टिप्स पे लगा लेते हैं और रूट्स बिल्कुल खाली रहती हैं जिसकी वजह से क्लम्स बन जाते हैं। सो ऑलवेज स्टार्ट योर मस्कारा फ्रॉम द लैश लाइन, और अप्लाई करते हुए ट्राई टू गिव अ लिटिल शेक टू योर वॉन्ड सो दैट जो लैशेज जुड़ रही हैं वो सेपरेट हो जाएं। और फर्स्ट कोट को लगाने के बाद वेट फॉर अ लिटिल वाइल ताकि वो ड्राई हो जाए, और उसके बाद आप अपना सेकेंड कोट लगाएं। और अगर क्लम्प्स बन भी जाते हैं तो आप मस्कारा लगाने के बाद जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो किसी भी हेयर पिन से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, बट वेरी केयरफुली। और अब आ जाती है लोअर लैश की बारी। आप में से मोस्टली लोअर लैश को भूल जाते हैं, सो डोंट फॉरगेट ये भी पार्ट है। उसके लिए यू हैव टू अप्लाई वर्टिकली एंड दिस इज द रिजल्ट आफ्टर वन कोट। सेकेंड पार्ट इज हाउ टू अप्लाई फॉल्सीज। नाउ मस्कारा की तरह बहुत ज्यादा लैशेज भी अवेलेबल हैं, लेकिन आउट ऑफ ऑल आई वुड प्रेफर यू गाइस टू बाय आर्डल लैशेज। लैशेज बेशक एक दो लें लेकिन अच्छी लें, लाइक प्लास्टिक हेयर वाली बहुत ज्यादा फेक लगती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन, आपने सबसे पहले अपनी आई के साइज के हिसाब से अपनी लैश को काट लेना है एंड कट इट फ्रॉम द आउटर एज। फॉर द ग्लू आई वुड लाइक टू प्रेफर यू गाइस टू बाय दिस डार्कर कलर्ड वन, क्योंकि अगर वो व्हाइट होगी तो थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा लग जाएगी तो वो नजर आती है। ग्लू की क्वांटिटी आपने ना ज्यादा रखनी है ना कम, एक बहुत बारीक सी लेयर लगानी है, और ग्लू लगाने के बाद जस्ट वेट फॉर द 1 मिनट एंड लेट इट ड्राई। यू कैन यूज हैंड एज वेल। तो सबसे पहले आपने ट्वीजर के साथ उसको पकड़ के सेंटर से लैश लाइन के साथ, बिल्कुल लैश लाइन के साथ उसको जोड़ देना है। उसके बाद इनर कॉर्नर और फिर आउटर कॉर्नर से पकड़ के बहुत लाइट प्रेशर अप्लाई करके उसको साथ जोड़ देना है। ट्राई करें कि लैश लाइन के बिल्कुल साथ साथ अप्लाई करें, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने तीनों कॉर्नर से पकड़ के उसको अच्छे से प्रेस करना है ताकि वो बिल्कुल साथ अटैच हो जाए। बट यू आर वर्किंग विद ट्विजर्स सो बी केयरफुल। रिपीटिंग अगेन, सबसे पहले सेंटर से अटैच करें, उसके बाद इनर कॉर्नर और फिर लास्ट पे आउटर कॉर्नर से पकड़ के उसको लैश लाइन के साथ अटैच करें। And this is the difference and how it applies. Apply करने के बाद you can drag it and make it comfortable to your eyes. Eyelash set होने के बाद mascara से अपनी natural और false lashes को जोड़ लें so that it will look natural and not fake. Just mix it together. Now I would prefer you guys to buy reusable lashes. And you can find it on vegas.pk or Makeup For You online, Ardell Lashes, there are so many out there. Now you can leave as it is or aap eyeliner bhi apply kar sakte hain to complete your look. Eye ke inner corner se lash ke inner corner tak apply karungi taki ek look complete ho jaye. I'm just so proud of my eye color, how beautiful. And this is the final result and difference. How beautiful. At the end of the video, let me tell you guys how to clean the lashes. For this, you will need lashes, of course. Next, Vaseline, Air Puff. Apply Vaseline on Air Puff and just rub it. And lashes will be cleaned in no time. आंखों से ग्लो साफ करने के लिए आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं और कोई भी मेकअप रिमूवर यूज़ कर सकते हैं। जस्ट यूज द कॉटन पैड, अप्लाई करें कोकोनट ऑयल, रब करें एंड ऑल डन। दैट्स ऑल, आई होप यू फाइंड इट इजी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।